आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मैं एक्टिवा में प्रॉब्लम आ गई है तो उसको मैं सॉल्यूशन करके बताऊँगा आपको। तो देखो भाई, अपनी गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है। देखो यहाँ से ऑन कर दिया इग्निशन, फिर यहाँ से देखो इग्निशन ऑन ही नहीं ले रहा भाई। देखो ब्रेक, उस साइड का भी ब्रेक दबा के दिखाता हूँ। तो देखो भाई, इधर को ब्रेक दबाया मैंने एंड इधर से देखो तब भी नहीं ले रहा सेल्फ, एंड इंडिकेटर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ओके तो चलो भाई इसको अपन सॉल्व करते हैं, मैं बताता हूँ। तो उसके लिए यार सबसे पहले आपको तो फ्रंट बोनट खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए ये यहाँ एक स्क्रू है और इस साइड एक स्क्रू है सेम, एंड यहाँ आगे इसके नीचे एक स्क्रू है, दिखाता हूँ मैं आपको भाई। हाँ तो देखो ये नीचे अंदर एक अंदर एक स्क्रू है, दिख रहा होगा ये। ओके तो चलो भाई चारों को निकालते हैं, इधर भी सेम है वैसे, चारों को निकालते हैं फिर ये बाहर आ जाएगा, फिर अपन सेटिंग करते हैं क्या है उसमें। तो भाई मेरे से आ रही वाला नट स्क्रू नहीं खुल रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं क्योंकि फिर बिगड़ जाएगा। तो फिर अपन मैकेनिक पास चलते हैं और उससे पूरा ठीक करवाते हैं, ठीक है। अगर ये खुल जाता बोनट तो मैं ही खुद ठीक कर देता, बट अब चलो चलते हैं मैकेनिक पास और करवाते हैं यार। तो भाई मैकेनिक ने बोला कि यार बैटरी लो हो गया है, तो बैटरी को अपन चार्ज कराने के लिए देते हैं दुकान में जाकर, ठीक है। तो बैटरी लो हो गया अपना, एंड ये अपना बैटरी था गाड़ी के अंदर से निकला जो, और ये लो हो गया तो इसको अपन चार्जिंग के लिए देते हैं। एंड चलो फिर ये जिस, तो भाई अभी अपन लोग बैटरी चार्ज कराने जा रहे हैं। एंड तो गाइस हमारा जो पुराना बैटरी यार वो डेड हो चुका है, ऐसा पता चला चार्जिंग में अपन लेके गए थे तो डेड हो गया पता चला। तो उसके बदले हम एक नया बैटरी लेके आए एमको का, तो इसको अपन फिट कराएंगे एंड देखते हैं। अभी फिक्स नहीं हुआ है कि इसी को लगवा रहे हैं अपन, पहली बार सुन रहे हैं भाई ये कंपनी का नाम, तो देखते हैं। ये एमरॉन का कंपनी का था, बढ़िया अच्छा खासा शुरू से लगा हुआ था भाई। 2014 अपना मॉडल है एक्टिवा 3G, तो शुरू से लगा हुआ था तो शुरू से ये चल रहा था, एंड अभी अचानक से ये डेड हो गया। चलो 6 साल अच्छी बात है, मतलब 2021 चल रहा है तो आराम से 6-7 साल चल गया, तो अच्छी बात है एमरॉन का, अच्छा कंपनी। एंड एमको में देखते हैं यार, इसका देखता हूँ मैं इंटरनेट में रिव्यू चेक करता हूँ कैसा है, फिर उसके हिसाब से इसको लगवाएंगे, ठीक है भाई। तो भाई ये बैटरी मुझे अराउंड 1200 के आसपास पड़ा है, 1200 के आसपास, और भाई इसमें 30 महीने की वारंटी भी मिल रही है। इसमें अपने को एक वारंटी कार्ड भी मिल गया अंदर, इसके साथ कुछ कुछ अपने को नट बोल्ट भी मिले। तो चलो देखते हैं अभी कौन सा बैटरी लगवा रहे हैं अपन। चलो भाई बैटरी चेंज करा कराते हैं यार, अभी देखे एमको का है बैटरी, उसको चेंज करा कराते हैं, चलो अब निकलते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग शॉप पहुंच चुके हैं एंड यार अपना बैटरी लगने का प्रोसेस चालू हो चुका है, तो भाई पहले बैटरी लगने देते हैं फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। अरे भाई 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 भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है भाई, ये खाली एक ग्रिप गिरा है नीचे एंड वो उसको वापस लगा देंगे, एंड कोई बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलो बैटरी को लगते हुए देखते हैं। तो भाई बैटरी पूरी तरह भाई स्नग फिट हो चुका है भाई, बिल्कुल फिट हो चुका है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। एंड तो अभी इसके कनेक्शंस को होने देते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो गाइस हम लोग बैटरी लगवा के आ चुके हैं एंड यार चेक करते हैं, चलो सब चीज़ वहाँ भी मैं एक बार चेक कर लूँगा, पर एक बार आप मैं चेक करके दिखाता हूँ। पुराना इंडिकेटर जला भाई, बराबर जल रहा है भाई, पीछे का भी जल रहा है, दिखाता हूँ पीछे का भी जल रहा है, राइट का जला, राइट का, राइट भाई, राइट का भी जल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ देखो हॉर्न बजा भाई, सब चीज़ वर्किंग है एकदम, ठीक है।
तो भाई सॉल्यूशन का मिल गया था, बैटरी डेड था अपना, जब पता चला मैकेनिक पास गया था, सेल भी काम कर रहा प्रॉपर। बस भाई गाड़ी कूद देगी, तो भाई सब चीज़ वर्किंग है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया अपना गाड़ी। एंड अब इसको वॉश करते हैं घर जाके, एंड देन फिर अपना गाड़ी एकदम फुल टॉप क्लास हो जाएगी। ठीक है चलो फिर, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड भाई ट्रैक्टर आ गया भाई, वकर कर दिया ट्रैक्टर। चलो कोई नहीं।